इसमें पहले कंकड़ डाल दिए और मिट्टी पत्थर जो झाड़ के कचड़ा निकलता है ना वही कचड़ा मैंने नीचे भर दिया, खरपतवार पत्ते नीम के। बाद में से मैं पौधे लगा देती हूँ, बाद में दिखाती हूँ। ये देखिए ये गार्डन सेल, ये है बर्मी कंपोस्ट, ये गोबर खाद और इसमें नारियल का जूस भी मिला हुआ है और बर्मी कंपोस्ट भी मिला। और ये है रिवर सेंट। ये देखिए इसको खूब अच्छे से जितना मिला देंगे ना, मतलब ऐसे ऐसे देंगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसे सब ये दिखाने दो, ये ऐसे ना मैंने दो गमले भर दिए हैं वहाँ पर और ये दोबारा से बना रही हूँ। दूध वाले आए हैं वो चिल्ला रहे हैं। और इसमें मैंने क्या किया है, कंकड़ पत्थर डाल दिया। इसमें मैंने बहुत सारी दिख रही है आपको, ये घास फूल जो पत्ते झाड़ू वाड़ू मारते हैं ना वही पत्ते हमने वापस से भर दिए इन्हें। मैं दो भर के रख दिया, दो दिखा देती हूँ आपको। जैसे ये है ना पत्ते हैं ना तो थोड़ा सा दबा सकते हैं। और ये हमारी लिली इसमें कली भी आ गई है, पर क्या बोले ना, देख रहे हैं ना तीन तीन चार चार कर लिए हैं। और मैं इसको अब लगाना पड़ रहा कि मैं रख के चली गई थी ना उसके बाद में। मेरा ऐसे ही हो जाता है, हमेशा एक या दो बार पौधे इधर से उधर हो जाते हैं। उस समय एक्चुअली गमले नहीं मिले थे, इसमें वो लगा था क्रूटन, नहीं कुछ क्रूटन नहीं था, वो क्या बोलते हैं, अरे नाम ही भूल जाती हूँ। मेन चीज है बंदर है ना, बंदरों की वजह से हमें बहुत तकलीफ होती है। बंदरों की वजह से मुझे बचा बचा के इसने छोटे बच्चों से लगना, जब बच्चों का सामान बचाना पड़ता वैसे ही से हमें बंदरों से बचाना पड़ता, इसलिए बहुत मुश्किल हो रही है। नहीं तो टाइम से मैं एक बार लगा के सब कुछ छोड़ दूँ, मैं इनको क्यारी में लगा दूँ, पर बंदर नहीं छोड़ते ना। बंदरों की वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए, वो खाते नहीं है, नुकसान ज़्यादा करके जाते। सेंटर में नहीं लगा, हाँ हाँ बस भैया आ रही हूँ मैं। आ गया क्या ऊपर से? नमस्ते करते हैं, बड़े बड़े काम भी करते हैं। दूध वाले आ गए थे, उनसे ही बातें होने लगी। मैं कितना भी ग्लव्स पहनूं मुझे काम करते करते मेरा साथ गड़बड़ होती है। और मैंने इन पौधों के लिए एकदम नई मिट्टी बनाई है, पुरानी जो ही पड़ी ना ये देखो ये मैंने नहीं यूज किया है, एकदम फ्रेश नया मिट्टी बनाई, जिससे ना नीम की पत्ती दिख रही हुई। और जो मैंने खाद बनाई थी ना दिखा रही थी ना कल, मैं वो वाली भी खाद ऊपर से डालूंगी। थोड़ी सी
इसमें तीन कलियां हैं, चार कलियां हैं, इसमें तो भी एक ही आई है और इसमें भी बनी रही है और इसमें भी दो तो दिख रही है। और लेके आई हूँ, अरे मैं तो एकदम ऐसे ये है ना टेढ़ा, तो हम अगर ऐसे लगाएंगे तो सही नहीं है, तो हम इसको इस साइड से लगाएंगे ऐसे करके और ऐसे बांधेंगे, जहाँ पर ज़्यादा वजन आ रहा है ना उधर से बांधेंगे इसको। गार्डनिंग में बस यही छोटे छोटे काम चलते रहते हैं, थोड़े पौधे कभी इधर कभी उधर, और बंदरों से बचाने के लिए ही अभी भी गैरेज में ही रखूँगी। और ये पौधे क्या ना, सभी पौधों के साथ में अगर रखेंगे ना तो ये ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव करते हैं। ये अलग थलग पड़ गए और मैं 15 दिन थी नहीं घर में ना, तो गैरेज में ही रखे रह गए ना, तो कुछ पौधे नहीं निकले हैं। एंथेरियम के शायद मेरे ख्याल से नहीं निकले हैं, ठीक से नहीं निकले हैं, शायद बाद में वो निकलेंगे। बस यही छोटे छोटे काम रहते हैं। आई होप हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए और मेरे छोटे छोटे काम अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना। अगर थोड़ा भी यूजफुल हो ना तो आप भी ऐसे छोटी छोटी ट्रिक हमारी भी अपनाना और गार्डन में इंजॉय करना। मैं तो बाकी वॉइस ओवर नहीं कर रही हूँ, मैंने कहा जो बोला जो साथ में है रियल वही ठीक है। और ये देखिए मैं इन सबको सीधा बांध दूँगी ना, 2-3 दिन में सब सीधे हो जाएंगे, क्योंकि वो लंबे वाले सिंक में रखे थे ना, मैंने उसमें से निकाल के इनको लगाया है। और धीरे धीरे मैं इनको बड़ी लकड़ी और लगा दूँगी नींद मिल जाएगी तो, मतलब यही छोटे छोटे काम होते हैं। पॉट में तो क्या एक बार आप मतलब फ्लावर्स लगा दो, फिर हफ्ते 10 दिन में 5 दिन में महीने में 15 दिन में काम करते रहो, पर ज़मीन के गार्डन में पौधों के लिए तो बहुत काम है गाइस, ख़त्म नहीं होता है। डेली का एक दो काम करने आओ, चार काम दिखते हैं डेली के। और अभी मैं सब में पानी वानी डाल के सारा काम ख़त्म कर दे रही हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको, मैं सभी पौधों में पानी डाला है। और जो दो बड़े लंबे वाले पॉट दिख रहे हैं ना, उनको भी मैंने उनमें सारे पौधे भी वापस से चेंज किए हैं, और मैं रात को इनको बाहर रखूँगी, वापस सुबह गैरेज में ही रखूँगी। बस मेरा यही छोटा सा काम था, आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और छोटे छोटे काम हमारे गार्डन के आप ऐसे ही देखते रहिए, हो सके तो आप भी करिए काम और आप भी गार्डनिंग को इंजॉय करिए। थकने के बाद में फूल खिलने के बाद तो अच्छा ही लगता है, जब फूल खिलेंगे तो मैं दिखाऊंगी। लिली है दो तीन दिन सबसे, और मैंने हॉलैंड लिली भी मंगाई थी, देखिए ये कौन सी वाली खिली।